दोस्तों यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो आपकी स्लाइड्स बनी होती हैं या आपकी प्रेजेंटेशन बनी होती है, सपोज ये मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन को मैं बड़ी मेहनत के साथ जब बनाता हूँ तो फिर मुझे ये चाहिए इसे एक डॉक्यूमेंट्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि इसकी वीडियो बन जाए, ऐसी वीडियो फाइल बन जाए जिसको मैं अगर चलाना चाहूँ जिस मर्जी वक्त वो चला सकता हूँ। तो इसी ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वीडियो फाइल बनानी पड़ेगी। यानी प्रेजेंटेशन जो आप यहाँ ये देखें, जो व्यू आपके सामने आ रहा है सेम यही व्यू आपका उधर भी है, और यही जो आपने एनिमेशन के साथ जो साउंड लगाए हैं वो साउंड भी वही के वही आए। तो ऐसा सब कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वीडियो फाइल बनानी पड़ेगी ताकि आपकी वीडियो फाइल जो है डॉक्यूमेंट्री के तौर पर आप एक मतलब उसको वीडियो फाइल के तौर पर कहीं भी चला सको। तो ये सब करना बहुत आसान है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। आइए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये आपके सामने एक प्रेजेंटेशन हमारे सामने आई हुई है। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें, इसमें डिफरेंट स्लाइड्स आपके सामने हैं और हर स्लाइड पर मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस भी लगी हुई हैं, हर तरह की डिफरेंट तरह की एनिमेशंस के साथ आपकी ट्रांजिशंस भी डिफरेंट हैं और इस पर वॉइसेस भी डिफरेंट लगी हुई हैं, यानी साउंड भी मुख्तलिफ लगा हुआ है। अब हम इसको जब वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, ये चीज़ें अगर इसी अंदाज में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे। आइए तो हम इसकी तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, इसको वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए बहुत शॉर्ट मेथड है। आपने जस्ट जस्ट क्या करना है, फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है और सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाएंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है। फाइल मेन्यू पे जाना है और सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद ये मैं डेस्कटॉप, इसको सपोज जहाँ आपने सेव करना वहाँ आप इसे सेव करेंगे। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। लेकिन सेव करने से पहले आपने याद रखना है कि यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जगह आपने यहाँ से ये मुख्तलिफ जो आपके ऑप्शंस हैं या एक्सटेंशंस हैं उनमें से आपने MPEG-4 वीडियो इस पर क्लिक करना है और इसे सेव का बटन दबा देना है। जैसे ही सेव करेंगे अब जो आपकी वीडियो है ये देखें कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें, यहाँ से कन्वर्टिंग इसकी शुरू हो गई है, ये ऐसा ऐसा कंप्लीट होगी। और उसके बाद आपकी ये जो आपकी स्लाइड्स हैं या आपकी प्रेजेंटेशन है ये वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट करने के लिए आपको मैं थोड़ा सा ये बताता चलूं कि अब जब तक ये वीडियो बनती है मैं आपको बताता चलूं इसकी प्रेजेंटेशन का अगर व्यू आप देखें, पहले हम ये देखें इसका, ये आपको मुख्तलिफ किस्म के साउंड सुनाई दे रहे हैं। ये साउंड क्या है, ये वो साउंड है जो आपके प्रेजेंटेशन पर लगे हुए हैं। तो आपने इसी के मुताबिक आपकी वीडियो बनेगी। आइए हम अब वीडियो की तरफ चलते हैं। उम्मीद है इतनी देर में तैयार हो चुकी होगी। अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ये देखते हैं ये हमारी वीडियो मौजूद है। अब हम इसको जब रन करेंगे, देखें इसे डबल क्लिक करके हम प्ले करते हैं। प्ले करके अब ये आपकी वीडियो चलना शुरू हो गई। आप मुख्तलिफ इसकी आवाज़ें सुन रहे हैं और ये सारी वीडियो की शेप के अंदर आ चुकी है। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि एक बहुत शॉर्ट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को, अपनी प्रेजेंटेशंस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं और अपनी मेहनत को दोबारा मेहनत करने के बजाय उससे ही यूटिलाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।